चुनाव सबसे बड़ी बात उनकी खासियत यह है कि किसी भी सिचुएशन में काम है, खुले रहते हैं। मैं जी ऊपर श्रीमान कंपल गिलास चुनाव में हूँ। वही शुरुआत होती है एक बार फिर से एक मुलाकात की, संडे का दिन है और आज जो मेरे गेस्ट हैं वो है मिस्टर अरुण गौर, एकेडमिक हेड एंड एचओडी फिजिक्स फ्रॉम इनोवेशन इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले आप कैसा लग रहा है पूरा माहौल स्टूडियो वाला? सोचा था कि सोच लिया था कि मेरे को एक बहुत ही अच्छा टीचर बनना है और क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे टीचर्स मिले तो मुझे ऐसा लगा कि इसी चीज को मेरे को मतलब ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए और इसी का एस्पिरेशन था कि मैं यहाँ आने का रुझान, इसके लिए मैंने का रुझान आपको वहीं से। बिल्कुल बिल्कुल। सो इनकी जिंदगी का हमारे आज के गेस्ट मिस्टर अरुण गौर, इनकी जिंदगी का कोई ऐसा हिडन फैक्ट जो कि फनी रहा, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ, जानेंगे थोड़ी देर में। सुनते रहिए 94.3 एफएम पर एक मुलाकात जियो गन से। आप सुन रहे हैं शो जिसका नाम है एक मुलाकात। मेरे साथ आज मिस्टर अरुण गौर, एकेडमिक हेड एंड एचओडी फिजिक्स फ्रॉम इनोवेशन इंस्टीट्यूट। सो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ जो बहुत फनी था, हिडन है, ज्यादा बताया ना हो किसी को? एक वाक्य जरूर मतलब ऐसा घटित हुआ था। ये 2012 की बात है, मेरा एक स्टूडेंट था वीरेंद्र सिंह राठौर और मैं मतलब हमारे इंस्टीट्यूट का काफी अच्छा स्टूडेंट था, काफी होनहार बच्चा था और वो काफी मतलब मेरे पास में आता था, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करता था तो मैंने उसको मेहनत करते हुए देखा, बहुत अच्छा। एक दिन वो थोड़ा डाउन हो रहा था किसी बात को लेके, तो जब मैं उसकी मेहनत देखता था तो मेरे को उससे बहुत ज्यादा मतलब ऐसा था कि अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करेगा, बहुत आशाएं थी। जब उसको डाउन देखा तो अचानक से ऐसा लगा कि मैं क्या करूँ उस बच्चे के लिए, ऐसा मतलब उसको कुछ अच्छा हो। मतलब फिर मेरे इंस्टीट्यूट से लेकर मेरे घर के बीच में मोहब्बत जितने भी आए थे, टेम्पल्स आए थे, उन टेम्पल्स में मैं रुका और बिल्कुल जैसे फिल्मी स्टाइल के अंदर मतलब ऐसे वो करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं कि भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपन बैठे हैं और बिल्कुल ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान इस दुनिया में और कुछ होना, फिर इसका सिलेक्शन जरूर हो जाए। तो वो तो मैं आज सोचता हूँ कि और उसके बाद में जो है मतलब उसका मतलब हुआ ना सिलेक्शन, और जब मैं उस चीज सोचता हूँ कि देखो मैं कितना एक मतलब इमोशन हो गया था एक स्टूडेंट के लिए, तो थोड़ा सा कभी कभी कब्बे बहुत सी होती है कि वो जो सीन देख के किस तरह से भगवान के सामने मैं प्रेयर कर रहा हूँ तो उसको देख के बड़ी खुशी भी होती है और खुशी भी आती है, थोड़ा फनी मोमेंट भी था। जो सिनेमा में होता है वो जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है, तभी हम आपको कनेक्ट कर पाते हैं। 94.3 FM मेरे साथ आज मिस्टर अरुण गौर, एकेडमिक हेड एंड एचओडी फिजिक्स फ्रॉम इनोवेशन इंस्टीट्यूट। नीट का एग्जाम क्लियर करके जब लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो यार ये तैयारी के लिए, ये कोर्स करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, ये जानेंगे आज के हमारे गेस्ट से। बस थोड़ी देर में सुनते रहिए 94.3 MHz FM। वेलकम बैक 94.3 MHz FM पर। मैं हूँ विधि, आप सुन रहे हैं शो एक मुलाकात। मेरे साथ आज मिस्टर अरुण गौर हमारे आज के गेस्ट, एकेडमिक हेड एंड एचओडी फिजिक्स फ्रॉम इनोवेशन इंस्टीट्यूट। आपने बताया सर के नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है मेडिकल एंट्रेंस के लिए कॉलेज में। सो नीट के लिए आपको क्या लगता है कि किन किन चीजों की जरूरत होती है स्टूडेंट के अंदर? देखिए मैम, सबसे ज्यादा जरूरी है कि मन के अंदर से भावना होनी चाहिए, अंदर तक मतलब तब तक ये फीलिंग होनी चाहिए कि मेरे को नीट में सिलेक्ट होना है। जब आप अपने ड्रीम के पीछे लग जाते हैं तो फिर आपको कंटिन्यूसली उसी छोटियों के बारे में आपको विचार करना है और आपके अंदर एक ज्यादा वो होना चाहिए, जो मतलब जुनून होना चाहिए, वो जुनून जो है उसके आगे फिर सारी चीजें सेटलाइन हो जानी चाहिए। और अगर आपने सोच लिया है तो फिर कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो उसको एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, तीन बार पढ़े, कहते हैं कि सात बार किसी चीज को अगर पढ़ लिया जाए तो उसके अंदर दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको क्लियर नहीं हो पाए। तो उसको इतना रिविजन करो, उसको इतना पढ़ो कि वो चीज आने लग जाए, उस एटमोसफेयर में रहो, उस एटमोसफेयर में रहोगे आपको स्टडीज के अंदर थोड़ा आने लग जाएगा, तो फिर अपने आप आपका जो भी टारगेट है वो आप आसानी
चीज अचीव कर लेंगे। कहते हैं कि जब लोग ऐसा कुछ सोचते हैं करने के लिए तो कई बार अंडर प्रेशर भी आ जाते हैं। जब कोई अंडर प्रेशर आता है तो उसको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? ये जानिए थोड़ी देर में जीरो बिल से। शो एक मुलाकात मेरे साथ आज मिस्टर अरुण गौर आज के हमारे गेस्ट एकेडमिक हेड एंड एक्चुअली फिजिक्स फ्रॉम इनोवेशन इंस्टीट्यूट। सो इनकेस अगर कोई स्टूडेंट एम होता है कि भाई नीचे एग्जाम क्लियर करके मेडिकल में उसको एंट्रेंस पा सकता है, इनकेस ऐसे में अगर वो अंडर प्रेशर आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए? लेकिन मैम एक्चुअली थोड़ा सा प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हल्का सा प्रेशर है बच्चे पे तो हल्का सा प्रेशर ही उसे बूस्ट करता है कि वो अभी भी स्टडीज करे प्रॉपर और जो भी उसने सोचा है उसको अचीव करे। तो हल्का प्रेशर तो बहुत अच्छा रहता है आई थिंक आगे बढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी अगर उसकी लिमिट क्रॉस हो रही है तो उसके लिए जो उसके घर में बड़े हैं उसको उससे बात करनी चाहिए, जो उनके फैकल्टीज हैं जो टीचर्स हैं उनके साथ में बात करनी चाहिए। तो डेफिनेटली उनके पास में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं तो टीचर्स जो है उनके पास में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इस एज के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं मतलब जिनके कारण बच्चा थोड़ा सा ऐसे में डिबेट हो जाता है। तो ऐसे में टीचर के कॉन्टेक्ट में रहना आई थिंक सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उस टीचर के पास में और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे उसके पास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको समझा सके। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी आपसे। एक मैसेज जो जाते जाते जयपुर हाइट्स को देना चाहें? मैं यही कहना चाहूंगा हमेशा खुश रहो, आप भी खुश रहो और आपके आस पास वाले लोगों को भी खुश रखो। बिल्कुल सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग, अगर आप इसी रूल पे चलते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा जीवन जियेंगे। सुनते रहेगा 94.3 MyFM Jio।